कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बिहार की एक अदालत में भी राहुल गांधी की आज पेशी की तारीख है। ये मामला भी सूरत कोर्ट में दायर मामले जैसा ही है, जिसमें राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मामले में ही राहुल गांधी को पटना की MP MLA कोर्ट में पेश होना है। बिहार की राजधानी पटना में सांसद विधायक कोर्ट के स्पेशल जज ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की याचिका पर गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में जमानत पर है। मोदी सरनेम मामले पर टिप्पणी के बाद सुशील कुमार मोदी ने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। बताते चले कि मोदी सरनेम पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले पर सूरत कोर्ट पहले ही उन्हें 2 साल की उम्र कैद की अधिकतम सजा सुना चुका है। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। सदस्यता रद्द होने के बाद सरकार यही नहीं रुकी, उसने उन्हें सरकारी बंगले खाली करने का भी नोटिस थमा दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपने खिलाफ हुए इस फैसले पर कहा कि उनको अडानी के ऊपर बोलने की सजा दी गई है, लेकिन वे डरेंगे नहीं और सरकार से सवाल पूछना बंद भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार से लगातार ये पूछते रहेंगे कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं।